हेलो फ्रेंड्स, ऋषिकेश टोमले यार। इस वीडियो में अपन जानेंगे भाई कैसे हम अपने नेक्स्ट 10 कस्टमर को आइडेंटिफाई करेंगे, राइट। पिछली वीडियो में अपन ने देखा था भाई कस्टमर पर्सोना क्या होता है, इंडिविजुअल प्रोफाइल क्या होती है और बीच एंड मार्केट क्या होती है, राइट। स्टार्टअप की इसी जर्नी में आज आगे चल के अपन जानेंगे भाई कैसे अपन अपने नेक्स्ट 10 कस्टमर को आइडेंटिफाई करेंगे। तो भाई ये क्यों ज़रूरी होता है? ये इसलिए ज़रूरी होता है अपने नेक्स्ट कस्टमर को आइडेंटिफाई करना, जिससे भी आपको एक कॉन्फिडेंस आता है कि आप जो प्रोडक्ट बना रहे हो एक स्केलेबल प्रोडक्ट है जो आपको एक स्केलेबल धंधा ला के देगा। दूसरा इसका एडवांटेज ये है कि आपको पता चलेगा भाई आपके प्रोडक्ट में क्या क्या कमियाँ हैं, जिससे आप इम्प्रूव करके एक गुड क्वालिटी प्रोडक्ट बना सकते हैं। ओके, तो भाई जानते हैं कि भाई इसके क्या स्टेप्स होते हैं, कि हमें क्या करना चाहिए अपने अगले नेक्स्ट 10 कस्टमर को ढूंढने के लिए, राइट। तो पहला स्टेप ये है कि भाई आपको एक नोट पेपर पे लिख लेना है कि भाई आपके नेक्स्ट 10 पोटेंशियल कस्टमर कौन से हो सकते हैं। मान लेते हैं कि भैया अभी आप सिर्फ 18 से 20 साल, 22 साल या 25 साल के बीच में वाले बच्चों के लिए कोई प्रोडक्ट बना रहे हो, तो आप कोशिश कीजिए उन्हें 30 साल तक ले जाने की, 34 साल तक लेके जाने की, 18 से लगभग 25 साल, 18 से 16 से 20 साल, ऐसे आप अलग अलग चीज़ों में देखिए, अलग अलग एजेस देखिए, अलग अलग इनकम ब्रैकेट्स देखिए कि कैसे वो कर रहे हैं, राइट। दूसरा आपको अभी क्या करना है, आपने ये 10 कस्टमर की जो भी पोटेंशियल है, जो आपके नेक्स्ट बनने वाले कस्टमर है, उनके आपको अभी कॉन्टैक्ट डिटेल्स लाने हैं, आपको उनसे कॉन्टैक्ट करना है, आपको उनसे मिलना है, आप चाहे तो उनको कॉल भी कर सकते हो, राइट। तीसरा आपको उनको आपके प्रोडक्ट के बारे में बताना है और उनसे फीडबैक लेना है कि क्या वो आगे चल के आपका प्रोडक्ट खरीदेंगे। अगर आप ये प्रोडक्ट बना रहे हो तो क्या उसमें इम्प्रूवमेंट ज़रूरी है? अभी आप कौन सा मार्केट में करंट प्रोडक्ट खरीद रहे हो? खरीद रहे हो तो कहाँ से खरीद रहे हो? ऑनलाइन खरीद रहे हो या ऑफलाइन खरीद रहे हो, राइट। जिससे आपको एक सही फीडबैक मिलेगा, आपको निगेटिव फीडबैक भी मिलेगा और पॉजिटिव फीडबैक भी मिलेगा। निगेटिव फीडबैक आपको ज़्यादा मिलेगा क्योंकि शुरुआती धंधे में निगेटिव फीडबैक ज़्यादा होता है, लेकिन जो निगेटिव फीडबैक वाला जो कस्टमर बेस होता है वो बेस होता है जो आपका लॉयल बनने वाला होता है, क्योंकि वो कस्टमर आपके साथ जुड़ना चाहता है, आपका प्रोडक्ट खरीदना चाहता है, लेकिन वो चाहता है कि आप पहले उसे इम्प्रूव करो, इसलिए वो निगेटिव फीडबैक देता है, राइट। तो यही वो स्टेप्स थी जिसके यूज से आप जान सकते थे कि भाई आप कैसे अपने नेक्स्ट 10 कस्टमर को आइडेंटिफाई करो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो इसको लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और शेयर भी कर देना। थैंक यू।